हेलो गाइस, माय नेम इज जितेश जयालदास एंड यू आर वाचिंग दिस ब्लॉग चैनल। और आज हम आए हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज 1996 या 1995 से है। यहाँ पे बेसिकली आप इधर डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर होता है और यहाँ पे कुछ शॉपिंग फेस्टिवल्स टाइप लगता है। और आप यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। अभी जैसे इस सीज़न में 23 कॉन्सर्ट्स होते हैं और ये 6 मंथ्स का होता है। जैसे अभी ये चालू हुआ 30 अक्टूबर से 6 अप्रैल स्टार्टिंग तक चलेगा। सो अभी हम ग्लोबल विलेज में आए और अभी हमने जस्ट एंट्री ली है यहाँ से और हम थोड़ा देखते हैं, कुछ देखने लायक अच्छा हो तो दिखाएंगे। और अभी थोड़ा भूख पेट पूजा कर लेते हैं, थोड़ी भूख लग रही है क्योंकि यहाँ पे आने में कम से कम 1.5 घंटे लग गया क्योंकि बहुत ट्रैफिक थी, बहुत रश थी। सो देखते हैं गाइस, आगे देखते हैं कुछ होता अच्छा बताते हैं। सो गाइस, अभी हमने यूरोप में एंट्री की है शहर से और इधर की आप शॉप देख सकते हो। यूरोप की शेप्स में, यूरोप की जो मार्केट होती है हेरिटेज टाइप, उस टाइप में बनी हुई है यहाँ की शॉप्स। अभी आपको कुछ दिखाते हैं। अभी एक शॉप देखी थी, उसमें पूरी नियॉन टी शर्ट मिल रही थी। अभी वो शॉप पे जाते हैं, अभी बहुत उधर रश है तो हमने इधर आ गए। आप देख सकते हो एक सेकंड, यूरोप स्टाइल में मार्केट बनी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे पूरी, और उधर वो नियॉन शॉप है अगर आप देख रही है तो। आपको उधर आपको नियॉन टी शर्ट्स मिलेगी पर बहुत रश है वहाँ पर, तो उसको वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है। और ये पूरा हेरिटेज टाइप में बना हुआ है यूरोप के स्टाइल में शायद। अभी यूरोप है पक्का तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने किसी से पूछा, मैंने बाहर नाम नहीं पढ़ा। देखते हैं अभी पता चल जाएगा थोड़ा बाहर जाके। सो अभी हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं। अभी यूरोप में ही थे अभी हमने, मैंने चेक किया था। सो वो उधर इंडिया है, पीछे की तरफ अमेरिका, सीरिया, जहाँ मैं देख सकता हूँ अफगानिस्तान, लेबनान, बहरीन, कुवैत एंड बहुत सारे, पाकिस्तान भी हो गए यहाँ पे बहुत है। अभी तो अपन इंडिया जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है और इतना घूम नहीं पाएंगे, तो मेन अपन इंडिया पर फोकस करते हैं, अपना भारत महान। सो इंडिया चलते हैं फिर, और इंडिया के साथ तो बड़ा भी होता है इसलिए अभी इंडिया घूमते हैं। फिर यहाँ पे रात को 9 o'clock पे फटाके फायर वर्क्स होता है। सो अपन वापस इधर मिड में आ जाएंगे और इधर फायर वर्क्स देखने आ जाएंगे अगर अपन टाइम पर पहुँच पाए तो। सो अभी इंडिया चलते हैं, इंडिया के बाद फिर देखते हैं, इंडिया में कुछ अच्छा ही होगा। अभी हमने इंडिया में एंटर किया है और इंडिया का हेरिटेज ऐसा लग रहा है कुछ बापू बाजार टाइप्स, देख सकते हो ये पूरा इंडिया का हेरिटेज लग रहा है। ये पीछे से खिलासी और कुछ रेस्टोरेंट्स के बाहर वो थे, क्या बोलते, खाट लगी हुई थी जैसे अपने पंजाब में नकली खाना बनते हैं। अभी अपन यहाँ पे जाते हैं, बहुत शोर मच रहा है, देखते हैं क्या होता है। पंजाब का डांस चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अंदर बहुत रश है तो अपन जाना है तो मुश्किल है, तो अपन यहाँ से बाहर चलते हैं। इट वॉज नॉर्मली डांस शो, उधर एक डांस शो चल रहा था और इतनी रश थी। और ये चना चोर गरम वाले जा रहे हैं पीछे राजस्थानी स्टाइल्स में। और अभी हम कुछ इधर मार्केट लगी हुई होती है, आपको इंडिया के हर आइटम मिल जाएंगे। अभी जैसे ये पीछे यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भगवान की पड़ी हुई है और यहाँ पे कारपेट की शॉप है और ऐसे ही पूरे आपको इंडिया के आइटम ही मिलेंगे यहाँ पे मोस्टली, क्योंकि इंडियन मार्केट है ये, पूरी एग्जीबिशंस टाइप होता है ये, तो इधर सबकी अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। सो ओके, आगे देखते हैं। अभी अपन ने इंडिया घूमा, इंडिया का अपने लुक देखा, ये शायद से हेरिटेज स्टाइल में अपना लगता है मेरे को, क्या बोलते हैं, बापू बाजार जयपुर के स्टाइल में बना हुआ था या तो फिर कोई पंजाब के स्टाइल में, हरियाणा पंजाब के स्टाइल में। अभी अपन शायद से अफ्रीका की तरफ देखते हैं, अफ्रीका दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है अफ्रीका का लुक। आप बैक कैमरे से दिखा सकते हैं और यहाँ पर इजिप्ट है तो अफ्रीका दिखने में अच्छा लग रहा है, उधर शो भी चल रहा है ऐसा लग रहा है, तो अभी अफ्रीका का लुक देखते हैं। इंडिया था, इंडिया का लुक भी अच्छा था, कुछ फोर्ट था याद नहीं आ रहा कौन सा फोर्ट है, बट इंडिया का लुक भी अच्छा था इसका, देख सकते हैं। और अफ्रीका के उधर कुछ डांस चला उनका ट्रेडिशनल हुल्ला हुल्ला। ये थी इंडिया की एंट्रेंस, अपन मैं दिखाना भूल गया था, ये इंडिया की एंट्रेंस थी। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिफिशियल रिवर भी बनाई गई है दोनों तरफ आर्टिफिशियल। और ये अफ्रीका के एंट्रेंस है, अभी अपन अफ्रीका के एंट्रेंस की तरफ ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये अफ्रीकन, समझ नहीं आ रहा है ये अफ्रीका
Even the chair want to dance. पानी यहाँ तक आ रहा है. हकुना. तो ये अभी हम अफ्रीका के आ गए हैं. यहाँ पे एक बड़ा सा कुछ है पीछे की तरफ मिड में. सो हैव अ लुक, टाइम लैप्स करते हैं, फिर देखते हैं हैव अ लुक एट अफ्रीका कैसा है. अभी हमने पाकिस्तान में एंट्री ली है और ये थोड़ा बड़ा सा है. वूलन्स एंड ऑल भी है, मिल रहे हैं. पाकिस्तान कश्मीरी आइटम्स, सारे कश्मीरी स्टॉल्स ही थी यहाँ पे. तो भी वूलन्स लेट्स हैव अ लुक एट पाकिस्तान नाउ. चलते हैं, पाकिस्तान ख़त्म हो गया. आगे देखते हैं दूसरे कंट्रीज़ का क्या है. पेशेंट्स के लिए ये रखा है शायद से ये वूल या क्लोथिंग बनाने की मशीन ही है. आप देख सकते हैं इसमें थ्रेड व्रेड डाल के आप इसमें कपड़ा बना सकते हैं. और उधर ऑटो रखा हुआ है, उधर ऑटो भी रखा हुआ है इन्होंने. और बाकी आप देख सकते हैं ऐसे. और ये था अपना पाकिस्तान. अभी हम जॉर्डन जा रहे हैं. जॉर्डन दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है. सो थोड़ा लुक सेलिंग टी इन दिस स्पेशल थिंग आई कैन शो यू. This thing, they are selling tea in this, you can see. It's so awesome, man. अच्छी चीज़ है. जॉर्डन में से चाय बेचते हैं, सोचो कभी सो जाना. एंड यहाँ पे फिर कुछ शो चल रहा है स्टिल ऑलरेडी फुल. सो देखते हैं आगे. सो उसमें चाय बेचते हैं यहाँ पे जॉर्डन में. चलते हैं जॉर्डन में. इतना कुछ खास नहीं था देखने का, मतलब ठीक था. ऑल ग्लोबल विलेज में आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी. डिफरेंट कल्चर्स कैसे होते हैं. एंड दे हैव परफ्यूम शॉप्स ऑल्सो, क्योंकि अरेबिक कंट्रीज हैं. डैम अच्छी परफ्यूम्स होती है, मतलब डैम मतलब बहुत अच्छी परफ्यूम्स. एंड फिर यहाँ पे वुलेंस की भी ठंड आ चुकी है. एंड दिस इज़ कंदूरा स्टाइल. जो रिच या जो अरब कंट्रीज़ के किंग होते हैं वो उस टाइप के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. एंड दे हैव अमेजिंग पेंटिंग ऑल्सो हेयर. यू कैन सी दिस टेंट एंड द पेंटिंग हेयर इज अमेजिंग मैन. दिस पेंटिंग ओके. चलो चलते हैं दूसरे कंट्री में. अभी नेक्स्ट कुवैत है, तो कुवैत में विजिट करते हैं, फिर देखते हैं. और उधर ताजमहल है और उधर शहर से वो पता नहीं कौन सा है, बट ये ताजमहल है.
इन्होंने इंडिया में ताजमहल नहीं बनाया, इंडिया के आसपास बनाया एंड आर्ट सेलिंग की है ऑल्सो. तो हम देखते हैं कि और ये ताजमहल है इंडिया का. ये दूसरा है उसके पीछे आप वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग है वो उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया है. और ये बाकी आप इधर से व्यू ले सकते हो. अब वो शायद से जॉर्डन की टीम थी या तुर्की की टीम थी, दोनों में से एक की थी. अभी हम कुवैत चलते हैं. सो गाइस अभी हम कुवैत में एंटर हो चुके हैं. कुवैत लुक अमेजिंग मैन, देयर मॉन्यूमेंट्स आर अमेजिंग एंड शाइनिंग टाइप्स. सो ये कुवैत की मॉन्यूमेंट्स इस साइड एंड देयर कैमल्स देयर. सो अपन मिड में चलते हैं, बाकी आपको साइड्स का टूर करा देंगे बाद में. मतलब कुवैत में आप देखो कितनी ब्राइटनेस है. The monuments are looking amazing. They have boat. They have said boat. Boat के अंदर camel है और ये camel और. So Kuwait के monuments amazing है. Most smells से perfume की smells आ रही है. इतनी अच्छी अच्छी perfume की smells आ रही है ना, एक नहीं बहुत सारी. And they have sitting areas like Kuwait style में sitting area भी बनाया हुआ है इन्होंने, waiting area. And इन्होंने boat में camel रख रखा है, देख सकते हो आप. So अभी हम देखते हैं आगे क्या खुशबू आ रही है. ये आउट की खुशबू आ रही है, दिस साइड आउट की खुशबू आ रही है. लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेट. खाली कुल शमकान खाली खाली. Selling honey. Hello, welcome. Welcome. So, how many types of honey you have? How many types? Sidra. This one. One kg, 150. 150 drum only. Yeah. Pure honey. Pure honey. From where? From Yemen. From Yemen it is. From Yemen, yeah. So, how many honeys are there total? Yeah, same. How many? Like. How many types? Honey Samra, honey Sidra, honey white honey. Okay. Honey Maret. Okay. Maret. 10 to 12 types. Yeah. 12 types of honey or more than that. This guy doesn't know English. So they have also white honey also. You can see. So guys, visit this shop must. Honey Maret. Honey Maret. Which type? Honey Maret Power. Okay. Power honey. So guys, visit this shop also. ओके बाय. इधर ज़्यादातर हनीज की शॉप है, पूरी हनी 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 जिधर देखो हनी. यहाँ पे कम से कम बहुत टाइप्स की हनी है इनके पास. किसी उससे पूछा उसको मालूम नहीं थी, उसको इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है, अरबी आती है और अरबी में कोई इतनी आती नहीं है. सो और यमन में कुछ खास यही है कि सिर्फ हनीज है. अगर आपको यह हनी लेनी है तो इनके पास हनी है. 150 ड्रम मतलब 3000 रुपये तक की हनी, एक किलो. आप सोचो भाई इतनी महंगी हनी. चलो कोई मुश्किल नहीं, देने वाले लेते हैं क्या करें. सो ये था यमन और यहाँ पे हनी इसके अलावा कुछ नहीं था. सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस. दिस गाय गिव मी दिस हनी, लेट्स टेस्ट दिस. इट्स लुक अमेजिंग मैन. विजिट दिस शॉप. व्हाट्स योर नेम? Rano. Shop or my name? Yeah, your name. My name is Anas. Anas, you can visit this shop, Yaman Honey, and this guy, Anas. 49 shop, Alwano, Yemen. Alwano, in Yemen. Visit this shop must. And there are how many? 12 to 15 types of honey or more than that? Half a price. How much? Half a price. Anyone half a price. Just what's the starting price? This 400, for you 200. This 250, okay. For you 125. Okay, and anyone guest coming from my side then? Yes. You will also give half price? Half price. Just take my name. My name is Jitesh. Come visit this shop. He will give you half price. Yes. No problem. Come to visit this shop, guys. And the guy was amazing. He let me taste honey also. And it was damn amazing. And that honey which I tasted was 300. I think so. He said 200 or 300. I think so. Kilo. So it was damn untasty, man. It was pure. Like it was like I just put it. It was damn coming down.
अच्छी थी या नहीं, अब हनी खाने में मज़ा आता नहीं, पसंद नहीं है, पर फिर भी अच्छी थी। सो ये था अपना यमन, अब चलते अपन ईरान की तरफ, और फिर इजिप्ट भी है, तो इजिप्ट देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि 9 बजे यहाँ पर फायर वर्क होने वाले, तो वो भी देख लें। कुछ बनाया है इन्होंने और वो फायर वर्क स्टार्ट हो गए, तो हम फायर वर्क देखते हैं फिर हम चलेंगे ईरान की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक एट फायर वर्क। And it's amazing, and the view from here is also amazing, guys. अभी हम जाते हैं इजिप्ट की तरफ। इजिप्ट में कुछ अच्छा लगेगा और फिर देखेंगे कुछ प्यारा व्यारा, और इजिप्ट में लग रहे हैं ममीज, कुछ हो सकता है क्योंकि इजिप्ट इज फेमस फॉर ममीज, एंड ममी लगी हुई है बाहर डेकोरेशन में, तो आप देख लेते हैं इजिप्ट की ममीज। लाइटिंग आ रही है, देखते हैं ये इजिप्ट की ममी, एंड ये पैक वाली ममी, ये थी इजिप्ट की ममी। अभी अपन चलते हैं इजिप्ट के अंदर, फिर कुछ फैसिनेटिंग सा या कुछ तड़कता फड़कता जैसे अपन बोलते हैं वो देखते हैं। ग्लोबल विलेज के अमेरिका में है, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे खिलौनों की शॉप हुए, बिल्ड ए बियर वर्कशॉप, मतलब टेडी बियर कैसे बनता है यहाँ पे ऐसे बताना है शायद से यही है। सो हैव अ लुक एट अमेरिका इन टाइमलेस। और ये थी जापान की एंट्री, एंड जापान लुक्स अमेजिंग गाइस, मतलब जो फिनिश है थी वो बहुत अमेजिंग है गाइस। एंड ये जापान में एंट्री कर रहे हैं अपन, हम जापानी बन रहे हैं, सो हम जापान आ गए। ओके ओके, एंड देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, दे आर वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हियर, आप देख सकते हैं। एंड ये जापान है, दे आर
कोंगाई पेड़, कोंगाई बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं वो वाले पेड़ है, क्योंकि हमने नोवी का और उसमें देखा है डोरेमोन में, तो उसमें ऐसे ही है ये जापानी स्टॉल और ये आपकी जापान। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस। This was Global Village for you, and I'm wrapping out my vlog today. Hope you like this video. And हाँ, Global Village कैसा लगा ये भी बताना। And ये last counter था जापान का, बाकी बहुत सारी countries है जो आज हम visit नहीं कर सकते। मैंने कुछ important countries visit कराई है। अगर आप इधर आते हो तो आप जल्दी आओ, 4 बजे आ जाओ, 4 से 12 बहुत घूमने लायक है और आप घूम सकते हो इसमें। So guys, this is the video, and hope you like this video. Then give a big fat thumbs up, guys. And हाँ, don't forget to subscribe down below and don't forget to share it. So guys, thank you and guys support me please. ऐसी कुछ वीडियोस लाते रहूँगा आपके लिए, होप इस बार जल्दी लेके आऊँगा। और ये था आपका ग्लोबल विलेज, 15 ग्राम्स में आप घूम सकते हो ग्लोबल विलेज, और अमेजिंग चीज़ है। प्लीज़ विजिट ग्लोबल विलेज गाइस, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।